नमस्कार, मैं उज्जवल चोपड़ा गुनाह के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि जिस घर में प्यार और आपसी विश्वास अच्छा होता है, उस घर की खुशियां हमेशा बनी रहती हैं। ऐसा ही एक घर कानपुर निवासी विजय और संजय का है। दोनों भाइयों का आपस का प्यार और विश्वास दोनों के दिल में बसता है। बड़े भाई विजय की पत्नी को गुजरे हुए 10 साल हो गए हैं और इसी वजह से विजय ने अपनी जिस्मानी ज़रूरतों को पिछले 10 साल से अपने अंदर दबा के रखा हुआ था। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। सब नाश्ता टेबल पे रख दिया है, किचन में खाना रेडी है, हम जा रहे हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। संजय जी भैया, ये पैसे रख ले और गाड़ी की किश्त भर देना। जी भैया। और नाश्ता तैयार है, नाश्ता करके जाना। अच्छा भैया, आप ये पैसे ज्वेलरी आप बैंक लॉकर में क्यों नहीं रखते? अब आप घर पे रहते नहीं, मैं रहते नहीं, इस घर में कोई नहीं रहता। अगर गलती से चोरी वोरी हो गई तो सारा सामान एक साथ चला जाएगा। देख, पैसा तो मैं बैंक में रख सकता हूँ, लेकिन ये ज्वेलरी तेरी भाभी की निशानी है, इसे खुद से दूर नहीं कर सकता। रोज एक बार उन्हें देख के इसी बहाने उन्हें याद कर लेता हूँ। भैया, आप भाभी के याद के सहारे कब तक जिएंगे? आपको नहीं लगता कि इस घर में एक औरत की जरूरत है? हम तो कहते हैं कि आप शादी कर लीजिए भैया। संजय, मैं तुझसे कितनी बार कह चुका हूँ कि इस घर में कोई भी औरत तेरी भाभी की जगह नहीं ले सकती, इसलिए मैं तो शादी करूंगा नहीं। और रही बात इस घर में किसी औरत के आने की, तो तेरी भी तो शादी की उम्र हो गई है, तू शादी क्यों नहीं कर लेता? सोच तू, इस घर में बहू आएगी तो कितना अच्छा लगेगा। तू कहे तो मैं किसी से तेरी शादी की बात चलाऊं, और अगर तेरी नजर में शादी के लिए कोई लड़की है तो तू बता दे, उससे शादी की बात करवा देता हूं। भैया, एक लड़की है, पर मैं चाहता हूं कि पहले आपकी शादी हो जाए। अच्छा जी, तो खुद के मन में शादी के लड्डू फूट रहे हैं और शादी की बात करके अपने भाई की टांग खिंचाई कर रहा है? जल्दी बता, कौन है वो लड़की, बोलना। भैया, उसका नाम रितु है, अभी 3 महीने पहले ही हमारे साथ उसने ऑफिस में ज्वाइन किया है। अरे वाह, पिछले 3 महीने से मेरा भाई प्यार में मजनू बना हुआ है और मुझे खबर ही नहीं। बता, कब मिलवा रहा है उससे, कब मिलवा रहा है इस घर की होने वाली बहू से? भैया, कल संडे है, कल बुला लूं क्या? आज शाम को ही बुला ले, लेकिन हाँ, उसके सामने जरा कंट्रोल में रहना, ज्यादा फड़फड़ाना मत, ठीक है? ठीक है भैया। चल जल्दी से, मैं भी तैयार होकर चलता हूँ, वरना दोनों ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। जी। एक बार शादी हो जाने दो बस। संजय, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, भैया से मिलके मैं क्या बात करूंगी? अरे इसमें डरने की क्या बात है, जो पूछे वो बता देना। अरे सुनो, एक अच्छा सा ना सलवार सूट पहन कर आना। क्यों, वेस्टर्न ड्रेस में आऊंगी तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे शॉर्ट ड्रेस पहन कर आओगी ना तो भैया तुम्हारे साथ मुझे भी घर से बाहर निकाल देंगे। फिर शादी के बाद मेरी वेस्टर्न ड्रेसेस का क्या होगा? रात को पहनना ना मेरे लिए। वैसे भी तुम शॉर्ट ड्रेस में ना बहुत सेक्सी लगती हो। बस तुमसे तो गंदी बातें करवा लो। शर्म नहीं ना आती तुम्हें? दिन में गंदी बातें नहीं करते संजय बाबू, काम पर ध्यान दीजिए, काम पर। वैसे भैया से मिलने कब जाना है? अरे हाँ, भैया तो हमसे पहले ही घर पहुँच जाते। अच्छा मैं काम करते हैं, हम तुम्हें शाम को लेने आते हैं, ठीक है? ठीक है, फिर मैं शाम को रेडी मिलूंगी। चलो अपना ख्याल रखना। Thank you.
आ गए तुम लोग, आओ बस बस बस, जीती रहो जीती रहो। हम भी अभी आए ऑफिस से, आओ अंदर आओ। आओ रुतु बेटा बैठो। तुम दोनों आराम से बैठो, हम तुम दोनों के लिए नाश्ता लेकर आते। अरे नहीं भैया, मैं बनाती हूँ ना। अरे नहीं नहीं नीतू, एक बार तुम बहू बन के इस घर में आ जाओ, फिर हम लोग रोज तुम्हारे हाथ का बना हुआ ही नाश्ता करेंगे। तुम बैठो आराम से। अच्छा ये बताओ, हमारा घर कैसा लगा? बहुत अच्छा। रितु, तुम्हारी फैमिली में और कौन कौन है? वो भैया रितु और उसकी मम्मी रहती हैं साथ में। संजय, हमने तुमसे पूछा है क्या? हम रितु से बात कर रहे हैं ना? बेटा इसे इंटरव्यू मत समझना, हम सिर्फ तुमसे पूछ रहे हैं। बस भैया, मैं और मेरी माँ है। जब मैं 4 साल की थी तब मेरे पापा की डेथ हो गई थी। उसके बाद माँ ने ही मुझे बड़ा किया है। और जब 3 महीने पहले मेरी जॉब लगी है तो मेरी माँ भी मेरे साथ बरेली से आ गई। वो क्या है ना, माँ ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। और यहाँ पर कहाँ रहते तुम लोग? वो इंद्रनगर है ना, उसके पास ही। अच्छा रितु बेटा, एक बात बताओ, तुम्हें संजय पसंद कैसे आ गया? ये तो बहुत आलसी है। हाँ भैया पता है, वैसे कोई बात नहीं, एक बार शादी हो जाए फिर सब ठीक कर दूंगी। ये भी ठीक है। एक मिनट, तुम दोनों आराम से बैठ के चाय पियो, हमें एक अर्जेंट काम है, हम निपटा के आते हैं। और बेटा हमने आपके लिए खाना बना के रखा है, खा के जाना। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है भैया, बाय बाय भैया। ए, वो सब छोड़ो। अच्छा मैंने सुना है कि तुम दिन में गंदी बातें नहीं करती। एक बार शादी हो जाने दो, जी भर के गंदी बातें करना। भैया भी मान गए, अब हमारी शादी भी हो जाएगी। भैया तो मान गए डार्लिंग, पर मम्मी, मम्मी को अभी भी मनाना बाकी है। मम्मी भी मान जाएंगी ना, फिलहाल आज के लिए तुम तो मान जाओ। नहीं। भैया घर ढूंढने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मम्मी जल्दी आइए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। बस आइए बेटा, तू तब तक नाश्ता तो करा। ओके समोसे लीजिए भैया। हाँ लेता हूँ। थैंक यू। लो बेटा चाय लो। रितु चाय ले। देखिए विजय जी, हमने रितु को बड़े ही प्यार से पाला है। इसके पापा तो हमें बचपन में ही छोड़ के चले गए थे, तो पापा का प्यार क्या होता है रितु को नहीं पता। लेकिन अब जब संजय से शादी हो जाएगी तो बड़े भाई के रूप में इसे पापा का प्यार भी मिल जाएगा। इस बात की मुझे बहुत तसल्ली है। सुरभि जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, रितु मेरी बेटी की तरह है। एक बार वो बहू बन के हमारे घर आ जाए तो बस मेरी चिंता भी खत्म हो जाएगी। सही बात है, और मैं भी फिर बरेली चली जाऊंगी। अरे आप बरेली वापस क्यों जा रही हैं? आप चाहें तो हमारे साथ हमारे घर पर भी रह सकती हैं। अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, और आप मुझसे कह रहे हैं मैं बेटी के घर में ही रह जाऊं? नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। तो आप यही रहिए ना, बरेली अकेली जाकर क्या करेंगी, यहाँ पर रहेंगी तो मिलना जुलना भी लगा रहेगा। हाँ मम्मी, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप मेरे ससुराल में नहीं रह सकते तो क्या हुआ, यहाँ तो रह सकते हो। अच्छा अच्छा मैं रह जाऊंगी। अच्छा विजय जी सुनिए ना, पंडित जी ने नेक्स्ट वीक का मुहूर्त निकलवाया है, उन्होंने बोला है वो शुभ है, आपकी क्या राय है? मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, संजय और रितु अगर ओके हैं तो
अब भैया हमें कोई एतराज नहीं है, आप दोनों जैसा ठीक समझे। तो ठीक है, अगले हफ्ते इन दोनों की शादी करवा देते हैं। जी बहुत अच्छा, फिर इस बात पे तो मुंह मीठा करना बनता है ना। बिल्कुल, लीजिए ना जलेबी लीजिए ना। रितु, संजय उठो बेटा, 7 बज गए। कहाँ जा रहे हो? आवाज लगा रहे ना भैया। अरे यार संडे है ना, ऑफिस थोड़ी है कि वो लेट हो रहे हैं। पर भैया की चाय तो लेट हो रही है। मैंने इसीलिए मना किया था ना कि मेट को मत निकालो, पर तुम सुनती कहाँ हो हमारी? घर से लेकर ऑफिस का सारा काम तुम संभालती हो। 1 महीना हो गया हमारी शादी को, तुम मेरी बीबी हो, मेट नहीं। और इस घर की बहू भी, और बहू के रहते मेट की क्या जरूरत है? चलो अब जाने दो वरना भैया फिर से आवाज मारे, और मुझे चेंज भी करना है, नाश्ता भी बनाना है। बाय। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। सॉरी वो थोड़ा लेट हो गया, मैं भी फटाफट से चाय बना देती हूँ। कोई बात नहीं। बेटा आज तो संडे है, तुम अपनी मम्मी के घर जा रही हो ना? नहीं भैया मैं नहीं जा रही, एक्चुअली मम्मी आ रही है शाम को। अच्छा नमस्ते विजय जी। नमस्ते सुरभि जी, आइए ना। सॉरी सॉरी, ये साड़ी भी ना। मम्मी, अरे रितु बेटा कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक। अरे बस बस, कैसे हो बेटा? अरे रितु तेरा चावल लेके आना। हाँ लाती हूँ। क्या हुआ मम्मी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बेटा, मुझे देखकर आज बहुत खुशी हुई। आज मुझे मौत भी आ जाए ना कोई गम नहीं। मम्मी कितनी बार कहा है आपसे ये मरने वरने की बातें मत किया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं बेटा आज मैं सच में बहुत खुश हूँ, तुझे संजय जैसे इतना अच्छा पति और पिता जैसे बड़े भाई का प्यार इसी घर में मिल रहा है, और क्या चाहिए। मैं तो सोच रही हूँ मैं बरेली चली जाऊँ, वैसे भी अब अकेले मन तो लगता नहीं है और बेवजह रेंट देना पड़ता है घर का, तो बरेली जाके अपने फार्म हाउस का काम देख लूंगी। कैसी बातें कर रही है मम्मी, ये भी तो आप ही का घर है ना। रितु तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, सुरभि जी मैंने तो पहले भी आपसे कहा था आप यही शिफ्ट हो जाइए। क्यों रितु? अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ, मेरी बेटी खुश रहे बस, और मुझे क्या चाहिए। मम्मी प्लीज चुप हो जाओ। कुछ नहीं बेटा, आज तेरे पापा होते ना तो तुझे देख के बहुत खुश होते। मैं मानती हूँ मम्मी कि पापा के जाने के बाद से आप बहुत अकेलापन फील करती हैं, अगर आप चाहे तो मैं आपके साथ घर शिफ्ट हो जाऊं। अरे नहीं नहीं बेटा, तू अपने घर में रह, मुझे तो बस तेरे पापा की कभी कभी बहुत याद आती है। सुरभि जी सुरभि जी, ये आपका अपना घर है, अब जब तक चाहे यहां पर रह सकती हैं, और आप खुद को अकेला क्यों महसूस करती हैं? हम सब हैं ना। अरे मैं भी क्या खाने के टाइम पे रोने धोने की बातें लेके बैठ गई। बैठे ना विजय जी।
अच्छा बेटा, खाना कैसा बनाया इसने? अरे मम्मी जी, खाना बहुत अच्छा बना है, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ खाता जाऊं, लेकिन सोच रहा हूँ कहीं पेट ना खराब हो जाए। जी, आज आप रितु के पापा को ज्यादा ही याद कर रही थी, तो सोचा थोड़ा टाइम आपके साथ स्पेंड कर लेता हूं, आपका मन हल्का हो जाएगा। कुछ बताइए अपने बारे में। रितु के पापा को 17 साल हो गए हुए। लव मैरिज की थी हमने, घर वाले अगेंस्ट थे, फिर भी भागकर शादी की थी। बहुत खुश थे हम लोग। आपको पता है मैं घर से दूर रहती थी, फिर भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे वो। कभी भी उदास नहीं होने दिया उन्होंने मुझे। मुझे ना उनसे कभी भी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। पता है क्यों? क्योंकि वो बिन मांगे ही सब दे देते थे। मुझे लगता था मैं दुनिया की सबसे लकी औरत हूं। फिर अचानक से उनकी एक्सीडेंट की खबर आई। लेकिन जाते जाते भी ना वो मुझे एक खूबसूरत तोहफा दे गए। रितु, कभी कभी उनकी बहुत याद आती है, बट रितु को देख के सब भूल जाती हूँ। तो आपको कभी किसी और की जरूरत महसूस नहीं हुई? आपने दोबारा शादी करने के बारे में नहीं सोचा? सोचा था, लेकिन सही बताऊं मैं रितु के प्यार को कभी बांटना ही नहीं चाहती थी। इसलिए कभी अपनी जरूरतों और अरमानों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। खैर मेरी छोड़िए, अपनी बताइए ना, आपने भी तो कभी शादी नहीं की। सेम हियर, हमारी अरेंज मैरिज थी, लेकिन मेरे और सुधा के बीच ऐसी बॉन्डिंग थी जैसे हम दोनों एक दूसरे को कई जन्मों से जानते हो। उसे पाने के बाद मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे सब कुछ मिल गया है। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मैं अपने हर दुख हर दर्द को भूल जाया करता था। क्या कुछ नहीं किया उसने मेरे लिए। वो मां बनना चाहती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि अगर हमारा अपना बच्चा हो गया तो मेरा और सुधा का प्यार संजय के लिए बढ़ जाएगा, इसलिए मैं अपना बच्चा नहीं चाहता था, और उसने इस बात में मेरा साथ दिया। लाखों में एक थी वो। आज भी ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने ना आए। आप ही बताइए, इतना प्यार करने वाली, इतना त्याग करने वाली बीवी की जगह कोई और ले सकता है क्या? वाकई में आपकी बीवी तो मिसाल थी, लेकिन कोई तो होगा ना जो आपकी भावनाओं को समझ सके, आपको समझ सके। और अब तो संजय की भी शादी हो गई है। आई थिंक यू शुड मूव ऑन। हाँ, पर अब कोई ऐसा कहाँ मिलेगा? आप खुद को ही देख लीजिए ना, आपने रितु के लिए क्या कुछ नहीं किया, और तो वो सेटल भी हो गई है, तब भी आप अपने बारे में नहीं सोच रही है। आई थिंक आप सही कह रहे हैं, हम दोनों की कहानी एक जैसी ही है। हम दोनों ही मूव ऑन नहीं करना चाहते। शायद हमें आदत हो गई है ऐसे तन्हा रहने की। शादी के बाद तुम और सेक्सी लगने लगी हो। बस बस, अब और फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं है। आई लव यू सो मच संजय, आई लव यू। अच्छा विजय जी, बहुत रात हो गई है, सोने का टाइम हो गया। गुड नाइट। गुड नाइट। आपने दोबारा शादी करने के बारे में नहीं सोचा? आई थिंक यू शुड मूव ऑन।
आज आप रितु के पापा को ज्यादा याद कर रही थी तो सोचा थोड़ा टाइम आपके साथ स्पेंड कर लेता हूं। मुझे भी प्यास लगी है। ठीक नहीं है, गलत है ये सब कुछ। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, हम दोनों के जज्बात एक दूसरे के लिए एक जैसे, फिर इसमें गलत क्या है? नहीं, गलत है। जब विजय ने सुरभि को पहली बार देखा तो उसकी वर्षों से दबी इच्छाएं प्यार के रूप में बाहर आने को बेताब होने लगी। शायद सेम फीलिंग्स रितु की मां सुरभि की तरफ से भी थी विजय के लिए, लेकिन दोनों समाज के बंधन में बंधे हुए थे। क्या सुरभि का अकेलापन और उसकी इनसिक्योरिटी उसे विजय के करीब ला पाएगी, या फिर वो समाज और अपनी बेटी के घर के बारे में सोचकर वापस अपने गाँव लौट जाएगी? क्या विजय और सुरभि अपने इस नए सामाजिक रिश्ते से ऊपर किसी और रिश्ते को अपने दिल में संजोने वाले थे? जज्बात एक दूसरे के लिए एक जैसे, इसमें गलत क्या है?
क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? हम लोगों ने जो भी कुछ किया ठीक नहीं किया। अरे तुम फिक्र मत करो, सुबह सुबह उठ के रितु और संजय से बात कर लेंगे, दोनों समझदार हैं, समझ जाएंगे। लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, हम दोनों का सामाजिक रिश्ता अलग है। तो तुम क्या मुझसे अलग होना चाहती हो? सुबह उठ के तुम रितु से बात करना, मैं संजय से बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। रितु? जी भैया। रितु बेटा, वो सुरभि जी तुम्हें रूम में बुला रही है। आ रही हूँ। संजय, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? अब बताइए। बेटा, मैं कह रही थी कि अब तेरी शादी भी हो गई है, तू सेटल भी है और तू बहुत खुश भी है। हाँ मम्मी, संजय इज अ वेरी ग्रेट हस्बैंड, बट मम्मी यू आर द बेस्ट। नाउ टेल मी, बताओ क्या हुआ? मैं सोच रहा था कि तेरी शादी तो हो चुकी है, मेरी सारी टेंशन्स भी दूर हो चुकी हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी शादी कर लूँ। सच? आई एम सो हैप्पी मम्मी। सच में भैया, मैं ना बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आप पसंद आ गई क्या? कौन, वो मकान मालिक? अब भैया पहेलियां मत बुझाओ ना, अब बताओ ना कौन है वो? विजय जी। क्या? सुरभि जी? मतलब मम्मी जी से? भैया आपका दिमाग तो ठीक है ना? कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने सोच भी कैसे लिया मेरे पति के भाई के साथ? ठीक। संजय मेरी बात तो सुन, सुरभि जी भी अकेली है और वो अपनी बेटी के ससुराल में तो रहेंगी नहीं, तो सोचा। तो आपने सोचा कि अपनी बेटी के ससुराल को अपना ससुराल बना लूं? शर्म नहीं आई आपको? कैसी माए आप? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे? देख बेटा, मुझे किसी के सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तेरे सोचने से फर्क पड़ता है। हम लोगों ने शादी का फैसला कर लिया है। और आपकी शादी के बाद आपको किस रिश्ते से पुकारूंगी मैं? सासू माँ या भाभी? पूरी दुनिया में आपको और कोई नहीं मिला, मेरा ही घर मिला आपको। अरे इस रिश्ते के साथ मैं कैसे जीऊंगी? कुछ तो शर्म करी होती मम्मी। देख संजय, बात को समझने की कोशिश कर। अरे क्या समझने की कोशिश करूं भैया, कि आपका दिमाग खराब हो गया या आप हवस में इतने अंधे हो गए हो कि आपको सही या गलत कुछ भी नहीं दिख रहा? मम्मी, मम्मी, एटलीस्ट बात तो सुनो। सुरभि जी, सुरभि जी सुनिए तो, सुरभि जी सुनिए तो। दिनेश जी, आप? नमस्ते सुरभि जी, कैसी है आप? नमस्ते, आइए ना अंदर आइए। कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, कुछ चाय पानी कुछ तो लीजिए। अरे सुरभि जी, आप इतना जिद कर रही है तो आपकी जो इच्छा है पिला दीजिए। जी मैं पानी लेके आती हूँ। लीजिए ना।
सुरभि जी, आप रेंट कब तक देने वाली है? रेंट बस एक दो दिन में दे दूंगी मैं। कोई बात नहीं, मैं एक दो दिन के बाद मैं फिर आ जाऊंगा, अपना ही घर है। अच्छा तो मैं अब चलूं? जी बिल्कुल। नमस्ते। नमस्ते। मुझे बहुत डर लगता है। क्यों? अरे वो मकान मालिक रोज किसी ना किसी बहाने से आ जाता है मुझे ताड़ने। तुम फिक्र मत करो, मैं 6 महीने का किराया तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, तो 6 महीने तक तो उसकी छुट्टी। नहीं नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। क्या? मैं बरेली वापस चली जाऊंगी। वैसे भी मैं यहाँ ऋतु के लिए ही थी, उसकी शादी हो गई, वो सेटल है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। और मेरा क्या होगा? तुम मुझसे पहले भी तो जी रहे थे ना, अब भी रह लोगे। और वैसे भी हम दोनों का सामाजिक रिश्ता अलग है, हमारे इस नए रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, इसे यही खत्म करना सही है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि तुम मेरे यहां मेरे घर पर शिफ्ट हो जाओ, लेकिन तुम मुखी मानती ही नहीं हो। और वहां तुम्हारी रखेल बनकर रहूं, संजय और ऋतु को मुंह क्या दिखाऊंगी? तुम फिर से शुरू हो गई, तुम चाहती क्या हो मुझसे? हमारे इस रिश्ते को यही खत्म करना चाहती हूं मैं। वो तो अब नहीं हो सकता। शादी करोगी मुझसे? प्यार के भूखे दोनों शरीर और दिल के जज्बातों के आगे विजय और सुरभि दोनों मजबूर हो गए। उन्होंने बहुत कोशिश की कि संजय और रितु की शादी के बाद उनका जो सामाजिक रिश्ता बना था वो उसे समाज की नजर में बनाए रखें। दोनों अपने नए सामाजिक रिश्ते से आगे एक नई दुनिया बनाने का ख्वाब देखने लगे। क्या उनका ये ख्वाब, उनका यह नया रिश्ता दुनिया की नजरों में जायज था? क्या एक माँ का अपनी बेटी के ससुराल में उसी के जेठ के साथ शादी करके अपनी ही बेटी के साथ जेठानी का रिश्ता बनाने का ख्वाब जायज था? क्या सुरभि और विजय समाज की बंदिशों के परे अपने इस रिश्ते को शादी के मुकाम तक पहुंचा पाएंगे? क्या संजय और रितु विजय और सुरभि के इस नए रिश्ते को स्वीकार कर पाएंगे? कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। क्या है वो नया मोड़, आइए देखते हैं। आज तो मैं सारा काम करके थक गई। क्या हुआ? मेड ने 2 दिन की छुट्टी मांगी थी तो मैंने दे दी। ठीक है ना? सर 10 बज गए, भैया अभी तक भी नहीं आए, पता करो ना कहाँ रह गए। हाँ मैं पता करता हूँ। लगता है भैया आ गए, हम आते। अब ये क्या किया आपने? मम्मी ये सब क्या है? हम दोनों ने शादी कर ली है और इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रितु, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, एटलीस्ट यू शुड थिंक अबाउट हर। भैया आप पागल हो गए हैं क्या? हाँ अरे लोग क्या सोचेंगे, आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है क्या भैया? और मम्मी आप इतनी ना समझ कैसे हो सकती हैं? क्यों किया ये सब? और उस दिन मैं पूछ रहा था कि भैया आप शादी कर लो, तब तो आप करते कि नहीं मुझे शादी करनी है, भाभी की जगह कोई ले ही नहीं सकता। अब भाभी का प्यार कहाँ गया? अब भाभी को भूल गया? और भैया अगर आपको शादी करनी ही थी तो मेरी सासू माँ मिली क्या? संजय जरा सोच, हम सब एक घर में रहेंगे, साथ में खुश रहेंगे। रितु तुम्हें अपनी मम्मी की फिक्र भी नहीं करनी पड़ेगी। अरे चुप करिए भैया, देखिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मम्मी जी कल सुबह आप अपने गांव बरेली जाएंगे और भैया कल सुबह से आप अपने ऑफिस, देखिए किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा, कुछ भी नहीं। संजय सुरभि कहीं नहीं जाएगी, अब ये घर उसका भी है।
हम लोगों ने शादी की है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हम साथ रहेंगे, चाहे रिश्ता किसी को मंजूर हो या ना हो। तो ठीक है, आज के बाद मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगा। तुम समझदार हो, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है भैया, आप दोनों की शादी मुबारक हो। संजय, 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 तो तुम भी अपना बैग पैक करो और यहां से निकलो। हमें इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना है। संजय, मैं मानती हूँ कि आप अभी बहुत गुस्से में हो, पर एक बार ठंडे दिमाग से तो सोचो, इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या तुम अपनी मम्मी के लाड प्यार में पागल हो गई हो? अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना, तो बिल्कुल रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी नहीं रहना संजय, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? एक दो दिन में रहने का इंतजाम कर लेते हैं, फिर चले जाएंगे। और वैसे भी दिन में तो हम ऑफिस में होते हैं ना। ये क्या किया भाई आपने? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप इतने गिर जाओगे मुझे नहीं पता था। मैंने भी कभी नहीं सोचा था संजय कि मेरी मम्मी ऐसा करेंगी। रितु, संजय आजो बेटा, नाश्ता कर लो आके। बेटा नाश्ता। रितु चलो। कुछ दिन तो गुस्सा रहेगा, माइंड मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो अभी बाहर से कुछ खाने के लिए मंगाते। देखो तुम भी नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। वैसे मेरा पिज्जा खाने को बहुत मन कर रहा है। लो तुम ही ऑर्डर करो। अच्छा आप अपने इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड तो दीजिए। 2232। लो दूध पी लो। अच्छा सुनो, कल संडे, कल सुबह होती हमें ये घर छोड़ देना है। और तुमने अपना कपड़े वपड़े पैक कर लिए ना? हाँ पैक कर लिया। ठीक है, लो अब दूध पी लो। अभी मन नहीं है, प्लीज। तुम्हें मेरी कसम। प्लीज जिद ना करो। प्लीज रितु, तुम कसम वसम मत दिया करो, प्लीज। बस हो गया। पूरा पियो। क्या है रितु यार, विजय दूध पी लीजिए। वहां रख दो, बाद में पी लूंगा। पी लीजिए ना, आज रात आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। क्या बात है, आज बड़ी मूड में लग रही हो। हाँ आज मैं बहुत मूड में हूं। रितु,
रितु 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 क्या साहब कितनी देर से घंटी बजा रहे हैं हम? आधा घंटा हो गया, इतना कोई सोता है क्या? कल भी हम ऐसे ही चले गए थे। कल तुम कब आई थी? साहब कल भी ऐसे ही आधा घंटा खड़े होके चले गए थे। ये देखिए कल के दूध और अखबार ऐसे ही पड़ा है। अब आज दिन कौन सा है? आज तो मंगलवार है। मंगलवार? मंगलवार कैसे हो सकता है? कल संडे था तो आज मंडे होगा ना। क्या साहब, कल सोमवार था आज मंगलवार है, आप देख लीजिए। मंगलवार मतलब हम दो दिनों से सो रहे हैं। भैया भैया भैया, अरे ये क्या हो गया? भैया 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 उठो भैया 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 उठो। नहीं भैया 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 आके तो खोलो, भैया आके खोलो, भैया आके तो खोलो, मैं क्या हुआ आपको? भैया आके तो खोलो। हेलो पुलिस। गोलियां मिला दी है, दो तीन दिन से पहले नहीं उठेंगे दोनों। वो तो ठीक है पर बैंकिंग पासवर्ड और पिन मिला? सब ले लिया है। तुमने ले लिया? हाँ मम्मी। ये क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा पिल्स क्यों डाल रहे हो आप? अगर कहीं मर भर गया तो? सेफर साइड के लिए, अगर बाई चांस आधा ग्लास दूध पिया तो दो तीन दिन तक भी होश में नहीं आएगा। दे मत करो, जाओ जल्दी दूध पिला दो। आपका वाला तो मर गया। अरे छोड़ ना, जिसको मरना था मर गया, पैसे पैसे पे लिखा है लूटने वाले का नाम। वो तो ठीक है पर मैं अपने वाले के बारे में सोच रही थी, पता नहीं किस हाल में होगा बेचारा, सदमे में ही चला गया होगा। कहते हैं किसी पराए पर हद से ज्यादा विश्वास करना भी भारी पड़ सकता है। यही हुआ था विजय और संजय के साथ, जब रितु और उसकी माँ सुरभि दोनों भाइयों की आंखों में धूल झोंक कर उनको बिना भनक लगे उनका सारा पैसा और जेवर लेकर गायब हो गई।
प्यार करने वाले अपने प्यार को पाने के लिए अपने सगे संबंधियों के साथ रिश्ता तोड़ने को जरा सा भी हिचकिचाते नहीं है। विजय और संजय के साथ इतना बड़ा धोखा कभी ना होता अगर दोनों भाइयों का एक दूसरे के प्रति विश्वास बना रहता। लेकिन दोनों अपने अपने प्यार में इस कदर खो चुके थे कि रितु और सुरभि के षड्यंत्र की उन्हें भनक तक नहीं लगी। आज का एपिसोड हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या पति पत्नी के पवित्र और अमूल्य रिश्ते की वैल्यू पैसे की वैल्यू के सामने कुछ भी नहीं होती। रिश्ते के इस पहलू के बारे में भी हमें समझने और सोचने की जरूरत है। अब मैं उज्ज्वल चोपड़ा आपसे विदा लेता हूं। आपसे जल्द मुलाकात होगी गुनाह के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।